happy, happy, happy. हेलो एवरीवन। तो आजकल मौसम ऐसा हो रखा है ना कि हमारे घर में कुछ ना कुछ जो स्नैक्स है वो बनते ही रहते हैं। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी समोसा, और ये सैटरडे इवनिंग में मैंने बनाए थे। तो इवनिंग का मौसम भी बहुत अच्छा था, तो आटे में मैंने अच्छे से मोयन कर दिया था, अच्छे से मतलब ऑयल से मोयन कर दिया था। और इसका जो आटा होता है ना, समोसे का जो आटा हम लोग लगाते हैं, बहुत ही टाइट लगाते हैं, तो बहुत ही कम कम करके इसमें वाटर ऐड करना होता है, जिससे कि जो समोसे है वो बहुत ही जो क्रंची आते हैं ना समोसे में बाहर से, उस टाइप के ये बन सके। थोड़ी देर मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने फिलिंग बनाई थी। तो यहाँ पर थोड़े से ऑयल में मैंने जीरा, मेथी और सौंफ मैंने स्टार्टिंग में डाल दी थी। अगर आप सौंफ डालेंगे ना तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर आप ऐड करें समोसों के फिलिंग में। इसको अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें अनियन ऐड किया था। वैसे अगर आपके घर में पीस है तो आप पीस भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें जिंजर भी ग्रेट करके थोड़ा सा डाल दिया था, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जितने भी मसाले होते हैं, जैसे कि सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है और अमचूर पाउडर, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी, जो कि बहुत ही अच्छा इन सब मसालों का मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो बॉइल्ड पोटैटोज हैं वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो 4 से 5 मैंने बॉइल्ड पोटैटो यहाँ पर ऐड कर दिए थे। अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में आप धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। समोसे आज मैंने थोड़े से छोटे साइज़ के ही बनाए थे, ज़्यादा बड़ा साइज होता है बच्चे क्योंकि इतना प्रॉपर तरीके से वह नहीं खा पाते, तो इस वजह से मैंने थोड़ा छोटा साइज ही रखा था समोसों का। समोसे बन गए हैं, इतनी अच्छी शेप तो मैंने बना पाई, बट हाँ ये बहुत टेस्टी है। तो समोसों की जो फिलिंग थी ना वो बच गई थी, तो दूसरे दिन मॉर्निंग में मैंने ब्रेड रोल्स बनाए थे। तो जो फिलिंग होती है ना आलू की, ये बहुत जगह काम आ जाती है, तो ब्रेड रोल भी इसके बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मंडे को मॉर्निंग को मैंने इसके ब्रेड रोल्स बनाए थे। इनफैक्ट अथर्व भी इसको स्कूल में ले गया था ब्रेड रोल्स को, बहुत ही यम बनते हैं ये। चैनल द मॉमी शेफ। तो आज है मंडे और आज सावन का पहला सोमवार है। जैसे सावन जो पूछते हैं, सावन का जो पूरा महीना होता है, पता नहीं आप लोग कितने लोग ये सब मानते होंगे, बट हाँ जब भी ऐसा कुछ आता है, ये चीज़ें आती हैं, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा मानती हूँ, पूजा वगैरह भी मैं काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, तो इन चीज़ों पे मेरा काफ़ी ज़्यादा बिलीव भी है। तो आज पहला मंडे, तो कई लोगों ने ना अभी जो पहले जो दो अभी मंडे गए ना उनसे स्टार्ट कर दिया था, बट हम लोगों का आज से स्टार्ट हुआ है। तो कल ही मैंने मेहंदी वगैरह सब लगा ली थी और चूड़ी वगैरह मैंने पहन ली थी। तो वैसे तो ना सावन के महीने बोलते ना ग्रीन ग्रीन सब पहनते हैं, ग्रीन चूड़ी पहनते हैं, बट आज ना मेरे पास ग्रीन चूड़ी थी ही नहीं और मुझे लेने का भी नहीं रहा कि परचेज में करूँ, तो यही रेड वाली आज मैंने पहन ली।
तो पूजा वगैरह मेरा सब हुआ है, आज मेरा फास्ट भी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो सावन का जो महीना होता है उसमें जो मंडे आते हैं, मतलब एवरी मंडे हम लोगों का फास्ट होता है, तो इस टाइप से हम लोग करते हैं और थोड़ी बहुत पूजा वगैरह हमारी हम लोग कर लेते हैं। तो आज सुरेश का ना आफ्टरनून ऑफिस है, तो अभी वो घर पे ही है, अभी सबका ब्रेकफास्ट हुआ है। अर्थू को भी मैंने ना आज मेरा ब्रेड रोल बनाए थे ब्रेकफास्ट में, तो अर्थू को मैंने दिए थे, तो अर्थू ने तो बिल्कुल भी नहीं खाए ब्रेड रोल, तो अभी मैंने उसके लिए हलवा बनाया, तो अभी ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। तो अभी पूजा वगैरह हो गई तो मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, तो मैं जैसे दूध हो गया या फिर चौलाई के लड्डू होते हैं जैसे, वो सब बनाना वगैरह वो सब मैं दिन में पलार में कर दूँ, और फिर रात को फिर मैं लंच सॉरी रात को फिर मैं डिनर करूँगी प्रॉपर तरीके से। तो यही है, फिर चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो अभी जस्ट बच्चों का जो है वो लंच हुआ और मैंने फ्रूट दिया हुआ, आज मैंने ड्रैगन फ्रूट करा था। तो वैसे तो ज्यादा हम नहीं लाते हैं ड्रैगन फ्रूट, बट एक दो टाइम से अभी सुरेश लाए थे तो अर्थू भी खा रहा था, तो आज मैंने थोड़ा सा कट किया क्योंकि मैंगो वगैरह कुछ नहीं है, और मैं भी इस टाइम पे थोड़ा सा फ्रूट जो है वो खा लूंगी, और उसके बाद ना फिर मैं डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ डायरेक्टली। अभी 3 बज रहे हैं और डिनर में आज ना मैंने लंच में सिंपल दाल और राइस ही बनाया था, क्योंकि ना फिर रात को भी ना व्रत का जब रात थोड़ा सा हैवी बन जाता है, पूरी वगैरह बनाती हूँ आलू ना, तो इस वजह से मैंने दिन में कोई सब्जी नहीं बनाई, मेरा थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, और राइस दाल तो बच जाता है तो वो तो रात को खाया जा सकता है, बट सब्जी ना बार बार फिर रिपीट जाती है इस वजह से। तो चलिए फिर फटाफट से मैं पहले फ्रूट्स वगैरह अपने मैंने जो निकाला वो मैं खा लेती हूँ, बच्चों को थोड़ा सा खिला लेती हूँ, बच्चे थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हैं तो फिर अपना काम ईजिली हो जाता है। तो अर्थू को ना वैसे इतना ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट पसंद नहीं है, बट जैसे कई बार क्या होता है ना, कई बार ड्रैगन फ्रूट बहुत मीठा ना होता है तो वो इजीली खा लेता है, अगर फीका होता है तो वो नहीं खाता, तो इस टाइप से वो करता है। तो आजकल एक दो बार ही सुरेश मतलब लाए हैं ड्रैगन फ्रूट, तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा खा लिया था, और उसके बाद मैंने ये जो अरवी है और आलू हैं ये बॉयल कर दिए थे, और खीर के लिए मैंने राइस जो है वो भिगो दिए थे, ये सब मैं आज रात को बनाने वाली हूँ। तो ना अरवी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं सूखे जो ड्राई वाली सब्जी होती है वो मैं बनाऊंगी, और आलू की ना मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी, क्योंकि ना व्रत में एक्चुअली ग्रेवी वाला भी कुछ खाने का मन करता है ना। तो अरवी ना मैं काट के इसको ना थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं ना थोड़ी देर के लिए, उनको काट के थोड़ा सा ना ड्राई अच्छी बनती है, मतलब खिली खिली सब्जी बनती है, ज़्यादा चिपकती नहीं है, वरना अरवी को अगर आप डायरेक्ट ऐसे काट के छोंक देंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है और इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले अरवी की सब्जी ही बनाई थी, तो यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जीरा है और जो मस्टर्ड सीड्स होती हैं वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। साथ में मैंने खीर भी रख दी थी बनने के लिए, वो धीरे धीरे फिर बनती रहेगी साथ साथ ही। सारे जो मसाले हैं, धनिया पाउडर है, यहाँ पर हल्दी है, ये सब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, क्योंकि ना व्रत में हम लोग प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, तो सब मसालों में ही मैंने यहाँ पर अरवी ऐड कर दी थी, और लास्ट में मैंने इसमें जो सॉल्ट है वो ऐड कर दिया था। अच्छे से इसको मैंने मिक्स करा और थोड़ी देर ना फिर ढक के मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक पका दिया था, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर टेस्ट तो नहीं करी थी, बट देखने से ही बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी खिली खिली सब्जी बनी थी। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में ही मैंने आलू की सब्जी बना दी थी, तो आलू की जो सब्जी थी वो क्योंकि मैं ग्रेवी वाली बना रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा टमाटो यहाँ पर अच्छे से पहले मैंने भून दिया था। तो खाना यहाँ पर मेरा रेडी हो गया था, अरवी की सब्जी बन गई थी, आलू की सब्जी बन गई थी और खीर भी बस बन ही रही थी। तो आज ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया डिनर बनाने में, क्योंकि ना खीर के लिए ना एक्चुअली दूध ही कम पड़ गया था, तो अभी इवनिंग में जाके मैं दूध वगैरह नीचे से लेकर आई हूँ, तो खीर अभी बन रही है और सब कुछ तो रेडी है, बस पूरी मैं तभी बनाऊंगी जब पूजा करूंगी। तो जो भी प्रसाद अभी बनता है ना वो सब रात को पूजा में मैं पहले पूजा में रख दूंगी, और उसके बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो सुरेश तो आज लेट ही आएंगे, तो बस हम लोग ही कर लेंगे डिनर तीनों के तीनों, है ना। तो अथर्व को थोड़ा बहुत होमवर्क कराने के बाद मैं पूरी बनाने लग गई थी, तो सबसे पहले मैंने पूरी बनाकर पूजा में रख दिया था सारा प्रसाद, और उसके बाद ना फिर मैंने बच्चों को खाना दिया था। पूरी तो ना हमारे घर में सबको ही अच्छी लगती है, चाहे मैं हूँ या फिर अथर्व और अर्थ को भी अच्छी लगती है, बट हाँ सुरेश को इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, बट हम सबको काफी अच्छी लगती है। बच्चों का डिनर हो गया है और बस मैं अभी बैठी हूँ डिनर करने, अभी 8:30 हो रहा है, तो वैसे ना जिस दिन फास्ट होता है उस दिन मैं 7:30 खा लेती हूँ, बट आज थोड़ी बहुत मुझको भी लेट हो गई थी, और बच्चे बस अभी थोड़ा बहुत अपने फ्रूट्स खा रहे हैं, तब तक मैं अपना जो डिनर है वो फिनिश कर लूंगी और फिर हमारा जो होता है वो बेड टाइम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।